इंदौर का कुछ पाबंदियों के साथ 1 जून को अनलॉक होना तय है, यह कहना है सांसद शंकर लालवानी का। एसीएन भारत के मैनेजिंग एडिटर से खास बातचीत में कहा कि शहर ही नहीं प्रदेश को खोलने की तैयारियां की जा रही है, सभी जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चर्चा का निर्णय लिया जाएगा। एलोपैथ और आयुर्वेद विवाद पर सांसद लालवानी ने कहा कि दोनों ही विद्याएं अच्छी है और इन विद्याओं से इलाज किया जा रहा है। संकेत कुछ ऐसे मिल रहे हैं कि आने वाले समय में इंदौर को खोला जाएगा, ये उम्मीद की जा रही कि 1 मई से शायद इंदौर में कुछ रियायत दी जाए। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं इंदौर के सांसद शंकर लालवानी जी, उनसे जानेंगे कि किस तरह की कवायदें की जा रही हैं, क्या बैठकें की गई हैं, क्या संकेत दिए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, और आपकी तरफ से क्या कहा गया है। आप इंदौर के एक बड़े जिम्मेदार हैं, या कि ये कहा जाएगा कि इंदौर के मालिक हैं, आपको सांसद बनाया इंदौर की जनता ने। 2 महीने से लॉक है, पूरा बाजार बंद है सब लोग कोरोना काल के चलते, अब जबकि खोलने की शुरुआत की जा रही है, तो आपकी तरफ से किस तरह की राय और सलाह दी गई है। देखिए, ये बात सही है कि लॉकडाउन इसका सलूशन नहीं है, लेकिन जिस प्रकार केसेस आ रहे थे लॉकडाउन करना पड़ा, लेकिन अब धीरे धीरे संख्या कम होती जा रही है और हम प्रयास करेंगे कि धीरे धीरे शहर खोले, क्योंकि आर्थिक गतिविधियाँ खोलना आवश्यक है और उसी को ध्यान में रखते हुए क्राइसिस कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें सभी लोग रहेंगे जनप्रतिनिधि। एक बार हमारी भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक माननीय कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में हुई है, बहुत सारे अच्छे सुझाव आए हैं और क्राइसिस कमेटी ने एक छोटी समिति भी बनाई है, वो उस पर विचार भी कर रही है। मुझे लगता है संभावना है आज जिला प्रशासन के साथ बैठकर कल तक कुछ निर्णय इसमें हो जाएगा। किस तरह की उम्मीद की जा सकती है, क्या कौन 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 से बाजार खोले जाए जिससे कि मॉब भी भीड़ भी इकट्ठा ना हो और कोरोना से भी हम लड़ते रहें और साथ में लोगों की व्यवस्थाएं भी होती रहें। आपके प्रश्न में उत्तर ये है कि इस प्रकार की गतिविधियां धीरे धीरे चालू करेंगे कि भीड़ भी नहीं हो और लोगों की आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे खुले और छोटे स्तर पर खुले, जो हमारे कमजोर वर्ग के लोग हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, उनको किस प्रकार खोला जाए उस पर चर्चा चल रही है। मध्य प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कोरोना को लेकर तमाम तरह की लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, लेकिन एक नई लड़ाई ने जन्म ले लिया है। स्वामी रामदेव और IMA के बीच में एक युद्ध शुरू हो गया एलोपैथ और आयुर्वेद को लेकर, आप क्या सोचते हैं? देखिए, दोनों विधियाँ अपने अपने हिसाब से अच्छा काम कर रही हैं। हमारी पुरातन विधि है जो बाबा रामदेव जी कर रहे हैं योग के माध्यम से, और चूँकि अभी जो इस वर्तमान समय में, और हमने देखा कि जो हमारे डॉक्टर हैं IMA, वो भी अपने हिसाब से भगवान से कम नहीं है, तो वो भी जी जान से लगे हुए हैं और वो भी दोनों अपने अपने स्थान पर सही हैं। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, इसमें कोई किसी प्रकार का वो नहीं होना चाहिए, सबको अपने अपने विधि का सम्मान करना चाहिए। एलोपैथिक डॉक्टर्स चाहते हैं कि बाबा रामदेव के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ एक्शन लें, उन्होंने एक चिट्ठी भी प्रधानमंत्री को लिखी है और कहा है कि इन पर राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज किया जाए। देखिए, उन्होंने चिट्ठी लिखी है, अब उस पर सरकारी कुछ प्रतिक्रिया दे सकती है। हमसे बात कर रहे थे सांसद शंकर लालवानी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं इंदौर को खोलने के लिए। वहीं बाबा रामदेव को लेकर उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो चिट्ठी लिखी गई है IMA द्वारा, उस पर प्रधानमंत्री स्वयं विचार करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से एक नया युद्ध ज़रूर शुरू हो गया है कि एलोपैथ और आयुर्वेद के बीच। इस पूरे मामले में कोई भी नेता खुलकर नहीं बोलना चाहता है, क्योंकि ये जग जाहिर है कि किसके समर्थक से बाबा रामदेव अब तक यहाँ पहुँचे हैं। कैमरा पर्सन सतीश गौर के साथ अर्शद खान, ACN भारत, इंदौर।